हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। आज हम बात करने वाले हैं IIT JAM 2018 की लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कैसे किया जाए। नाउ सबसे पहले प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो प्लीज़ अपना पेंसिल और पेपर रेडी रखिएगा और एक सिलेबस लिख लीजिएगा। यह सिलेबस है IIT JAM 2018 का। नाउ आप अगर इस सिलेबस को ध्यान से देखें तो इस सिलेबस में मैंने कुछ पेन से एरो किया हुआ है। ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट कुछ इयर्स का आप जब पेपर एनालिसिस देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इन चैप्टर्स में से आते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी फिलहाल ये रहेगी कि हम इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर सकें। ना ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, जिनको आपको इन 24 डेज में करना है, जिससे आपका मैक्सिमम चांसेस होगा अच्छा स्कोर करने का। आप सब कुछ नहीं कर सकते बिकॉज टाइम अब जा चुका है। तो ये 24 डेज के अंदर आप कितना अच्छा कर सकते हो वो करने के लिए आपको इन कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। नाउ व्हाट आर दोस चैप्टर्स? सबसे पहले ऑर्गेनिक के लिए इट विल बी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, नेक्स्ट विल बी रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड नेक्स्ट विल बी क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एंड स्पेक्ट्रो, जिसमें NMR एंड IR आएगा। अगला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट विल बी केमिकल बॉन्डिंग, ट्रांजिशन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स हैं, फिजिकल के 3 चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक के सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। आपको इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। नाउ सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, प्लीज पेपर्स को या सिलेबस को कुछ मत करना। सबसे पहले आप जैम के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो। आप इंटरनेट पे बैठिए, गूगल पे बैठिए, बहुत सारी क्लासेस हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट्स के ऊपर जैम के मार्क्स क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए हैं। आप उन जैम के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करो और बैठ के एक एक क्वेश्चन पेपर को, मिनिमम लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, तो आपको एक अंदाजा आएगा, एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं। एंड देन उसमें से देखिएगा फिजिकल में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है कि थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली आप ऑर्गेनिक का एनालाइज कीजिए। नाउ आप मिनिमम एक दिन क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के लिए दीजिए। जब आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर पाओगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि पीरियोडिक टेबल में पढ़ना क्या है, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में करना क्या है। तो आपका पहला काम यही होगा कि आप कल से सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करोगे, जो कि इंटरनेट पे, गूगल पे अवेलेबल हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं जिनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। आप उनको डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद आप उनको एनालाइज करोगे बैठ के। जब आपका पेपर एनालिसिस करके हो जाएगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि पढ़ना क्या है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स का एक चैप्टर्स का लिस्ट बनाया हुआ है। आप अगर इन चैप्टर्स के लिस्ट को देखते हो तो ऑर्गेनिक में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इन स्टीरियो केमिस्ट्री करना है। नाउ टू बी वेरी फ्रैंक, आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो आप बेसिकली कर क्या सकते हो, आप अपने TYBSC का सिलेबस, बहुत काफ़ी होता है, आपको उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट और स्टीरियो केमिस्ट्री मिल जाएगा। स्टिल अगर आप और अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप नासीपुरी करके एक बुक आती है, बहुत ही फेमस ऑथर की बुक है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, आप नासीपुरी को प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट विल बी रिएक्शन मैकेनिज्म। TYBSC के सिलेबस में रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत काफ़ी दिया हुआ है, तो आप TY एंड SY का जो रिएक्शन मैकेनिज्म का सिलेबस है आप उसको करके जाइएगा ऑर्गेनिक का। इवन 11th 12th का सिलेबस भी बहुत काफ़ी होता है जैम में अच्छा स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट विल बी क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी पे अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी खासकर NMR एंड IR पे। तो आप प्लीज़ NMR और IR को करके जाइए। NMR में भी H1 NMR और Carbon NMR के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। IR की वैल्यूज को बाहर कर लीजिए क्योंकि उनके ऊपर आपको स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको स्ट्रक्चर्स को पहचानना होता है। तो ये आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस है। ऑर्गेनिक में खासकर आपको सिर्फ TYBSC तक की ही प्रिपरेशन करनी है। प्लीज़ टाइम बर्बाद मत करना, रेफरेंस बुक्स को अभी हाथ लगा के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको रेफरेंस बुक पढ़ने में बहुत टाइम जाता है और रेफरेंस बुक करने बैठोगे तो आप जैम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अगला विल गो इनऑर्गेनिक। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर मेनी टॉपिक्स, बहुत टॉपिक्स होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक है, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। आपको एग्जैक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 ही चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करके जाइएगा और वो 2 चैप्टर्स हो जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हम 11th स्टैंडर्ड में NOCB के नाम से जाना जाता था, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। इसमें आपको VSEPR थियरी, VBT, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन आपको आना चाहिए, MOTs आपको आने चाहिए। नेक्स्ट विल बी ट्रांजिशन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, ट्रांजिशन मेटल्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 12th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो आप लोगों ने पढ़ा होगा HSC बोर्ड में, वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप ट्रांजिशन मेटल्स पढ़िएगा, उसके बाद में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़िएगा जो कि 12th स्टैंडर्ड से है।
आपके उसके अलावा आपको बीएससी में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दिया हुआ जो कि बहुत अच्छा है। तो आप अगर उतना ही पढ़ के जाते हो तो आपके लिए मोर देन इनफ होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप ट्रांजिशन मेटल्स को एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप 12th स्टैंडर्ड से पढ़ सकते हो, आप टीवाई बीएससी की बुक्स ले सकते हो। अगर कोई बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना चाहता है ट्रांजिशन मेटल्स का एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, तो रामालिंगम करके एक बुक आती है जो कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है। वो बहुत बेसिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बट प्रॉब्लम यह है कि उसको पढ़ने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो मेरी सजेशन या मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि प्लीज़ बेसिक से स्ट्रिक रहिएगा, डू नॉट गो फॉर रेफरेंस बुक राइट नाउ, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। नाउ कमिंग अप टू फिजिकल केमिस्ट्री, नाउ लेट मी बी वेरी फ्रेंक, इवन आई एम अ फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ना आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यूजुअली मोस्टली जैम में या कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम दे लो, एंट्रेंस एग्जाम्स, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं कुछ एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं, तो बी रेडी कि आप ये सोच के चलिएगा कि आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। तो आप जब फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करोगे तो सबसे पहला टॉपिक आएगा एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। नाउ आप एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे? इफ यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एंड 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में एक चैप्टर था एटम्स मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई। आप ये दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, उसमें बोहर मॉडल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको बोहर मॉडल, एनर्जी निकालना, ऑर्बिटल एनर्जी निकालना, शेल का एनर्जी निकालना, एटॉमिक रेडियस निकालना, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप 11th 12th का कर सकते हो, इवन बीएससी का जो सिलेबस है जिसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सिलेबस है आप उसको भी करके जाइएगा, बहुत काफी है वो। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स। ना थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, थोड़े टफ आते हैं। ना थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस एक्चुअली बहुत वास्ट है, 12th स्टैंडर्ड का थर्मोडायनामिक्स बेसिक्स है, तो आप प्लीज पहले 12th स्टैंडर्ड का थर्मोडायनामिक्स तो कीजिएगा ही कीजिएगा, नेक्स्ट विल बी बीएससी का थर्मोडायनामिक्स। आप अगर सेकंड ईयर बीएससी की स्टडीज करते हो तो आपको, आपने देखा होगा थर्ड ईयर बीएससी एंड सेकंड ईयर बीएससी में थर्मोडायनामिक्स का अच्छा खासा सिलेबस है, आप प्लीज थर्मोडायनामिक्स वहां से करके जाइएगा। क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, द ओनली डिफरेंस इज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके पीछे। नेक्स्ट विल बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज क्लब्ड अप विद इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी अच्छा है। उसके बाद आप जाओगे तो आप बीएससी में चले जाइएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो जरा फ्यू बुक्स जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, पूरी शर्मा पठानिया करके एक बुक आती है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बट वो थोड़ा सिलेबस वास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास उतना दिन नहीं है उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो 12th स्टैंडर्ड का एंड बीएससी का सिलेबस मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री में आप अगर देखोगे सिलेबस, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा केमिकल काइनेटिक्स को कर सकते हो, आपका मार्क्स स्कोर करने का चांसेस, अच्छा स्कोर करने का चांसेस बढ़ जाता है। नाउ ये तो हो गई सिलेबस की बात, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ बीएससी का और 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करके जाना है। लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, डू नॉट रन बिहाइंड रेफरेंस बुक्स राइट नाउ, दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू यू पीपल। नाउ कमिंग अप टू डेज, सर आप अगर कल से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपके पास 24 दिन बचे हुए हैं, तो आप 18 जनवरी से अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो 10th फरवरी तक के पास आपका टाइम है जिसमें 24 डेज आते हैं। नाउ आपको प्रिपेयर कितने करने हैं? 3, 3, 6, 7, 8, आपको सिर्फ 8 टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नाउ व्हेन आई से बहुत अच्छे से करने हैं, एक्चुअली वो बहुत अच्छे से करने हैं। आप इन 8 टॉपिक्स को डे बाय डे आप डिसाइड कर लो कैसे डिवाइड करना है। आप एक चैप्टर के लिए मैक्स टू मैक्स 3 दिन ले सकते हो, या कोई बहुत अच्छे से करना है तो मैक्स टू मैक्स आप 4 दिन ले सकते हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। मैं भी जब कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पाया। मेरी एक सिंसियर एडवाइस है आपको, प्लीज़ मॉक टेस्ट दीजिएगा। आप जब जाओगे इंटरनेट पे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर्स, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का ही मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट देने से आपको एक प्रैक्टिस आती है कि आपको उस समय एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, एटमॉस्फियर कैसा होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जाम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपके मॉक टेस्ट मिनिमम आई वुड एडवाइस कि एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो दे दो, बिकॉज विदाउट गिविंग मॉक टेस्ट आपको आइडिया नहीं आएगा कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। सो सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मॉक टेस्ट दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट, जैम के पेपर पैटर्न चेंज होते रहते हैं, इट्स नेवर अ फिक्स पेपर पैटर्न कि जो 2017 में आया था वही पेपर पैटर्न इस साल भी होगा। ऑब्वियसली देर आर नेगेटिव मार्किंग्स, तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी एडवाइस मेरी आपसे ये है
यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। हमको सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि यस मुझे ये क्वेश्चन आता है, बिकॉज अनवांटेड नेगेटिव मार्किंग्स नहीं करना है। तो आप अगर कट ऑफ देखते हो जैम का, आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं होता, कट ऑफ इज ऑलवेज बिटवीन 20 to 30 के बीच में कट ऑफ होता है। 20 to 30 के बीच में आप कट ऑफ लेके आ जाइएगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। नाउ कट ऑफ वेरिएबल है, इट्स नेवर अ फिक्स कट ऑफ। आपको अगर IIT मुंबई में एडमिशन चाहिए या आपको बहुत फेमस IITs में एडमिशन चाहिए, तो आपका ऑल ओवर इंडिया का जो रैंकिंग होना चाहिए इट शुड बी बिटवीन 400 की रेंज के अंदर अंदर होना चाहिए, बिकॉज आउटसाइड 400 आपका IITs में एडमिशन लेने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। नॉट अब आपका अगर जैम में स्कोर अच्छा होता है, विद इन 1000 रैंक होता है, आप बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे आईसर। नाउ आईसर इज वन ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूट जहां पे MSc की जा सकती है केमिस्ट्री के लिए। देर इज IISc बेंगलोर, देर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स जो जैम के मार्क्स को वैलिड मानते हैं। तो प्लीज इंटरनेट पे जाइएगा और इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिएगा और देखिएगा उनके फॉर्म्स कब से अवेलेबल हो रहे हैं। नाउ कमिंग अप टू, वी कंप्लीटेड सिलेबस, वी कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमने बुक्स के नाम देख लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है, पेपर एनालिसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, टाइम मैनेजमेंट आपको करना सीखना पड़ेगा, एंड लास्ट विल बी द मॉक टेस्ट। सो आप प्लीज 24 दिन के अंदर अंदर ये सब कीजिएगा, आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। कीप काम, बी कूल एंड अटेम्प्ट योर पेपर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर से एक दिन पहले टेंशन मत लेना, बी रिलैक्स्ड, बी कूल, पेपर टाइम पे पहुंचना, हॉल टिकट साथ में लेके जाना। All the very best. See you all soon. Thank you.